अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टैली में डेबिट नोट वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, टैली का नया वर्जन आ गया है, इसलिए हम इस वीडियो के बाद क्रेडिट नोट वाउचर और जर्नल वाउचर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की दो वीडियोस और बनाएंगे। इसके साथ ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम टैली ERP 9 पर वीडियोस बनाना बंद करके उसके स्थान पर टैली के नए वर्जन टैली प्राइम पर वीडियो बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम आपको दो महत्वपूर्ण बातें बता दें। पहली तो ये कि टैली का नया वर्जन आने से आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसमें से कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। नए वर्जन में टैली को काम करने की दृष्टि से और सरल बना दिया गया है। और दूसरी बात यह कि जो लोग अभी टैली ERP 9 पर काम कर रहे हैं वो भी चलता रहेगा जब तक कि उसे अपग्रेड नहीं कर लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पर उसके पहले एक बार फिर से डेबिट नोट वाउचर के बारे में समझ लेते हैं। जब कस्टमर द्वारा किसी भी कारण से, जैसे माल खराब होना, जिस क्वालिटी के माल का ऑर्डर दिया था वैसा माल नहीं होना, या किसी अन्य कारण से खरीदा हुआ माल पूरा या आंशिक रूप से वापस कर दिया जाता है, तो कस्टमर के लिए ये परचेस रिटर्न कहलाता है। और इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय परचेस में से कम किया जाता है। कई बार कस्टमर द्वारा खरीदे गए माल में कोई शिकायत होती है और वो सप्लायर को शिकायत के बारे में बताता है। सप्लायर उस शिकायत की भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देने की सहमति प्रदान करता है, तो इस तरह की छूट की राशि को भी कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। डेबिट नोट वाउचर के इस उपयोग को हम आगे GST के साथ समझेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में आपने परचेस वाउचर और सेल्स वाउचर्स क्या हैं और उनमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये समझा था। हमने आपको परचेस वाउचर वाली वीडियो में बताया था कि परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर मुख्यतः माल यानी गुड्स से संबंधित हैं। साथ ही इन चारों वाउचर्स में समान रूप से उपयोग होने वाली कई जानकारियां भी दी थी। उन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए परचेज वाउचर वाली वीडियो अवश्य देख लें। आइए अब परचेज रिटर्न का एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। हमने अशोक ट्रेडर्स के इनवॉइस नंबर 310 दिनांकित 2 जुलाई 2020 से जो माल उधार खरीदा था उसमें सोनी टीवी 20 इंचेस एक नग, जो कि हमने 21,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से खरीदा था, ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसे हमने 31 जुलाई 2020 को डेबिट नोट वाउचर बनाकर वापस कर दिया, यानी परचेज रिटर्न कर दिया। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने टैली में अपनी कंपनी ओपन कर ली है। याद रखें कि जिस तारीख को ट्रांजैक्शन होता है टैली में उसे उसी तारीख में रिकॉर्ड किया जाता है, तो हम यहीं से F2 प्रेस करके करंट डेट बदल लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। अकाउंटिंग वाउचर के लिए वी प्रेस करें। देखिए यहाँ राइट साइड में बटन बार में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट लिखा दिखाई पड़ रहा है, पर ये धुंधले दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये अभी एनेबल्ड नहीं है, यानी एक्टिव नहीं है, तो पहले हमें इन्हें एनेबल करना होगा, तभी हम इन वाउचर्स का उपयोग कर सकेंगे। उसके लिए F11 की प्रेस करें। यहाँ दिखाई पड़ रहे इनवॉइसिंग हेडिंग के अंतर्गत यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को यस करें।
और चूंकि हम डेबिट एंड क्रेडिट नोट वाउचर्स का उपयोग इनवॉइस मोड में करना चाहते हैं, तो इसके बाद वाले दोनों ऑप्शंस को भी यस करना होगा। इसके बाद हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, अब हम इन दोनों वाउचर्स का उपयोग कर सकते हैं। डेबिट नोट वाउचर के लिए कंट्रोल और F9 की प्रेस करें। डेबिट नोट वाउचर क्रिएशन विंडो आ गई है, और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि ये विंडो वाउचर मोड में ओपन हुई हो तो इनवॉइस मोड के लिए हमें कंट्रोल और V कीज को प्रेस करना होगा, और फिर ऑल्टर और आई कीज से इसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से अकाउंट इनवॉइस से आइटम इनवॉइस या आइटम इनवॉइस से अकाउंट इनवॉइस मोड में चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये आइटम इनवॉइस मोड में है और हमें यही चाहिए भी। हम जिस डेट में माल वापस कर रहे हैं वही डेट यहाँ पर आ रही है, क्योंकि हमने करंट डेट में तारीख बदल दी थी। आप चाहें तो यहाँ से भी F2 की प्रेस करके वाउचर की तारीख बदल सकते हैं। यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के आगे सप्लायर का वो बिल नंबर टाइप करना होगा जिस बिल का माल हम वापस कर रहे हैं। यहाँ उस बिल की तारीख टाइप करें। पार्टी अकाउंट नेम में उस सप्लायर का नाम सेलेक्ट करें जिसको माल वापस किया जा रहा है। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें कि यदि सप्लायर गुड्स रिटर्न के साथ ही उस माल का पेमेंट कैश या चेक से हाथों हाथ कर देता है, तो फिर पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी के नाम की जगह पर उसने जिस तरह से पेमेंट किया है उसका लेजर, जैसे कि यदि कैश पेमेंट कर दिया है तो कैश अकाउंट, और यदि सप्लायर ने हाथों हाथ चेक दे दिया है तो उस बैंक का अकाउंट सिलेक्ट करना होगा जिसमें आप उसका दिया हुआ चेक डिपॉजिट करने वाले हैं। हम पार्टी अकाउंट नेम में अशोक ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। पार्टी डिटेल्स में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो या तो हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें या कंट्रोल और ए से इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। हम कंट्रोल और ए कीज को प्रेस कर रहे हैं। परचेज लेजर में चूंकि हम माल वापस कर रहे हैं तो इसके लिए परचेज रिटर्न का लेजर सिलेक्ट करना होगा, और ये लेजर बना हुआ नहीं है। इसे बनाने के लिए ऑल्टर और सी प्रेस करके परचेज रिटर्न के नाम से परचेज अकाउंट ग्रुप में एक लेजर बना लेंगे। नेम ऑफ आइटम में वो आइटम सिलेक्ट करेंगे जो वापस किया जा रहा है। यहाँ उसकी क्वांटिटी टाइप करेंगे और यहाँ पर उसका रेट टाइप करेंगे। अब यदि एक से ज्यादा आइटम्स वापस कर रहे हैं तो इसी तरह आप उन्हें भी यहाँ पर ले लें, और अंत में एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लें। इसके बाद नरेशन में माल वापस करने का कारण टाइप करें जिससे भविष्य में कभी जरूरत होने पर आपको ये पता चल सके कि आपने ये माल वापस क्यों किया था। नरेशन डालने के बाद इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। आइए अब हम डेबिट नोट वाउचर की संक्षिप्त प्रक्रिया को समझ लेते हैं। इस वीडियो में हमने डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बारे में जाना। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं।